नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं कंप्यूटर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चंस हिंदी माध्यम से कराऊंगा। और जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे बैंक, SSC, रेलवे और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर एक, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जी डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है जी, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। इस प्रश्न का उत्तर है जी कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है जी, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 6 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जी अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब होता है अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करें तो सर, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 7, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। इस प्रश्न का उत्तर है जी आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 8, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है जी नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। और इसका एक उदाहरण है जी कर्मचारी का पता, क्योंकि कर्मचारी के पते में नंबर भी आते हैं और अल्फाबेट भी आते हैं, अंक भी आते हैं और वर्णमाला से रिलेटेड शब्द अक्षर भी आते हैं। अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 9, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में डैश होता है। इस प्रश्न का उत्तर है जी अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट ALU को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सर, प्रश्न नंबर 10, डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 डैश हैं। पहले डैश में आएगा जी डाटा और दूसरे डैश में आएगा सूचना। पहले डैश का अर्थ है डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है, जबकि दूसरे डैश में सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा है जी ALU। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के 2 मेन भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा ALU। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है जी, उत्तर है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसका एक अन्य नाम माइक्रोचिप भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सर, प्रश्न नंबर 13, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं डैश में। इस क्वेश्चन का आंसर है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सभी तार्किक एवं गणितीय परिकरण होते रहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 14, अर्थमेट्रिक ऑपरेशन में डैश होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी, अर्थमेट्रिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। अर्थमेट्रिक ऑपरेशन में ये चार क्रियाएं शामिल होती हैं, जमा, घटा, गुणा और भाग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सर, प्रश्न नंबर 15, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। इस प्रश्न का उत्तर है जी, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस तीनों के इकट्ठे मिलकर समूह को कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें जी क्वेश्चन नंबर 16 की, प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर डैश कार्य नहीं करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है जी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें सर, प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर है जी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग, मैक्सिमम प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, क्वेश्चन नंबर 18, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी, अर्थमेटिक। एएलयू में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, अर्थमेटिक परिचालन संपन्न होते हैं, जिसमें मुख्यतः जमा, घटा, गुणा, भाग को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें सर, तो अगला प्रश्न है जी मेरा प्रश्न नंबर 19, डैश कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी, टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। नेक्स्ट बात करें सर, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी, इनपुट। किसी बाहरी स्रोत से आ करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो फीड की जाती है, उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको लाल रंग में लिखा एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। आपने मुझे बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।